गाइस, मैं आपकी होस्ट रंदोस प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका खास प्रोग्राम सोशल मीडिया मस्ती। जी हाँ, आप सभी को पता है जैसा कि हम आप सभी के लिए इस प्रोग्राम में आपके सुपरस्टार इन दिनों सोशल मीडिया पर क्या नई मौज मस्ती करते हुए नजर आए हैं इसके बारे में आप सभी को जानकारी देते हैं और साथ ही हम आप सभी को बताते हैं कि आखिरकार दर्शकों की तरफ से क्या नया रिस्पॉन्स आया है उन सोशल मीडिया मस्ती पर, यानी कि आपके सुपरस्टार्स के वीडियोस पर या फोटोज पर। तो चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। इंस्टा पर सबसे पहला मैसेज किया है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की लकी अदाकारा आम्रपाली दुबे। बिल्कुल, आप लोगों को बताना चाहेंगे, आम्रपाली दुबे ने आज एक अभी वीडियो अपलोड किया है जो एक फनी वीडियो है और उस वीडियो में वो काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हुए नजर आ रही हैं और साथ ही उन्होंने टैग किया है हैड सो मच फन, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा इस समय फ्री माइंड हैं और मौज मस्ती करते हुए नजर आई हैं। वहीं आपको बता दें, हमारी आम्रपाली दुबे के इस वीडियो को अभी तक 2500 से भी ऊपर लोगों ने लाइक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला इस पर कमेंट पे बात करेंगे जो कि पूनम दुबे है, साथ में उनके हैं रितु सिंह। जी हाँ, आपको बता दें, दो नई अदाकारा एक साथ नजर आई हैं और उन्होंने भी एक वीडियो अपलोड किया है पूनम दुबे के पोस्ट से ही अपलोड किया गया है जो एक दूसरे से दो दो बात करते हुए नजर आई हैं। फनी वीडियो है और साथ में पूनम ने मैसेज कैप्शन बॉक्स में लिखा है विथ माई स्वीट सिस्टर रितु एंड टाइम पास फन क्रेजी गर्ल, यानी कि देखा जाए तो ये भी भाई टाइम पास कर रही हैं और अभी तक इनके इस वीडियो को 5500 से भी ज़्यादा लोगों ने लाइक कर दिया है, यानी कि उनका ये वीडियो भी दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। आगे देखते हैं तो संभावना सेठ ने अपने पति के साथ एक वीडियो अपलोड किया है, एक फोटो अपलोड किया है जिसमें वो दोनों कहीं फिल्म के सेट के थ्रू नजर आ रहे हैं और साथ में उन्होंने लिखा है दैनिक जागरण ऑफ माय उनका इंटरव्यू दैनिक जागरण में है सुपर फन, यानी कि देखा जाए तो ये इंटरव्यू के दौरान इनकी आपस में बातें हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, अरविंद अकेला उफ कल्लू के आईडी से एक वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें वो शुभी शर्मा नज़र आ रही हैं। बिल्कुल, शुभी शर्मा नज़र आ रही हैं। थैंक यू शुभी शर्मा जी। तो आज अपने वो जो उनकी फिल्म आ रही है उसके फिल्म के बारे में बताया है अवारा बलमा और उन्होंने फिल्म का प्रमोशन किया है, यानी कि कल्लू की फिल्म का प्रमोशन किया है शुभी शर्मा ने। भाई, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की यही खास बात तो है कि कोई भी स्टार की जब कोई फिल्म किसी को पसंद आती है तो वो सबसे पहले उस फिल्म को देखना चाहते हैं और उसका प्रमोशन भी करते हैं। आपको बता दें, इस फिल्म को अभी तक, इस पोस्ट को अभी तक 2500 से ऊपर लोगों ने लाइक कर दिया है। वहीं पर आम्रपाली दुबे ने एक गाने का अपलोडिंग किया, एक गाने का पोस्ट किया है जिसमें वो अपनी आने वाली फिल्म का गाना जो कि खेसारी लाल यादव ने गाया है उनके लिए उन्होंने ये पोस्ट किया है। आगे बात करें, आगे आम्रपाली के इस पोस्ट को अभी तक 3000 से ज़्यादा लोगों ने लाइक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे लाइक अगला है रवि किशन का। जी हाँ, रवि किशन ने एक वीडियो पोस्ट किया है, साथ ही कैप्शन बॉक्स में लिखा है हम फिट तो इंडिया फिट, चैलेंज एक्सेप्टेड, यानी कि देखा जाए तो भाई इस बार अब फिट जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तमाम तरह से फिट होने के टिप्स आए जा रहे हैं, चैलेंजेस लिए दिए जा रहे हैं, वहीं पर इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है रवि किशन ने और साथ ही साथ उन्होंने पोस्ट में लिखा भी है कि हम फिट हैं तभी तो हिट है। जी हाँ, और इस पोस्ट को अभी तक 1000 से भी ज़्यादा लोगों ने लाइक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, प्रियंका पंडित उफ गार्गी पंडित ने पोस्ट किया है, वो हाल ही में शो में जाने वाली है एंटरटेनमेंट का मेला, जहाँ पर प्रियंका अपनी लटको झटकों से दर्शकों का दिल जीतते हुए नजर आएंगी और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। आपको बता दें, प्रियंका का ये वीडियो जो है उसे अब तक 3500 से भी ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है, तो आप सोच सकते हैं जिस रात इनका ये धमाकेदार शो आएगा तो दर्शकों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें, इसके अलावा मधु शर्मा भी आज पोस्ट कर चुकी है जिन्होंने लिखा है जस्ट टूडे लेफ्ट, यानी कि वेंट वॉन्ट टू नो वॉट हैपन्स जब पांजी मीट बालाजी, इन्होंने कुछ प्रमोशन करते हुए लिखा है, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगी, मधु ने ये बताया नहीं है कि आखिरकार वो किस चीज़ का प्रमोशन कर रही हैं।
आगे बढ़ते हैं। आम्रपाली दुबे ने भी पोस्ट किया है, सुबह ही आज पोस्ट किया था जब उनकी फिल्म रिलीज हो रही थी, फिल्म दुल्हन गंगा पार के, जिसमें एक गाने के जरिए आम्रपाली दुबे ने अपने अंदाज को वहां पर दिखाया है और एक गाने के जरिए उन्होंने अपनी इस फिल्म के अंदर एक अलग ही जगह बना ली है। आम्रपाली के इस कह सकते हैं वीडियो फोटो को अब तक करीबन उन्होंने इस चीज़ को पोस्ट करते हुए लिखा है, दुल्हन गंगा पार के रिलीजिंग प्लीज़ गो एंड वॉच इन योर नियरेस्ट सिनेमा हॉल एंड थैंक यू सो मच। यानी कि फिल्म का प्रमोशन करते हुए नजर आई हो और अब तक आम्रपाली के इस पोस्ट को 11,500 से भी ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार आम्रपाली को वाकई में यूट्यूब की क्वीन क्यों कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि अगला हमारे पास है यश कुमार का। जी हाँ, यश कुमार ने पोस्ट किया है और वो बहुत ही छोटे छोटे प्यारे बच्चों के साथ नज़र आ रहे हैं और पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा है, चार पैसे कमाने आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, शुभ प्रभात। भाई बहुत ही बड़ी बात कह डाली इन्होंने। और यश कुमार मिश्रा भले ही आज सुपरस्टार बन गए हैं, लेकिन भाई वो अपनी भोजपुरी माटी को नहीं छोड़ना चाहते। अब यही देख लीजिए, वो अपने गांव आई थिंक गए हुए हैं जहां की फ़ोटो उन्होंने पोस्ट की है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उनके चेहरे पर चमक नज़र आ रही है जो वो अपने परिवार वालों के साथ मिलजुल कर एक हो पाए हैं, मिलजुल कर एक जगह पर आ पाए हैं और बच्चों के साथ आई थिंक मौज मस्ती करते नज़र आए हैं। और अभी तक हमारे यश कुमार मिश्रा के इस पोस्ट को करीबन 1500 लोगों ने लाइक कर दिया है। और आगे बढ़ते हैं, मधु शर्मा ने अपनी बहुत ही प्यारी सी फोटो शेयर की है जिसमें वो मैरिड नज़र आ रही हैं। जी हाँ, सूट सलवार, हाथों में चूड़ियाँ, गले में मंगलसूत्र और लाल कलर का दुपट्टा, वो फुल वो रोमांटिक नज़र आ रही हैं, फुल वो हॉट गर्ल्स नज़र आ रही हैं। और हमारी इन्होंने इनके पोस्ट को अभी तक 1600 से ज़्यादा लोगों ने लाइक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे शुभी शर्मा ने भी पोस्ट किया है और लिखा है, मैसेजेस दिया है उन्होंने, हाय फ्रेंड बैक टू मुंबई, यानी कि वो मुंबई वापस लौट रही हैं और उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। और अगर जो शुभी की लुक की बात करें तो बहुत ही क्यूट लग रही हैं, बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। जी हाँ, उन्होंने गॉगल्स पहन रखा है, पिंक कलर की लिपस्टिक है और बहुत ही सादगी में सुंदरता, शायद आप शुभी का जब ये फोटो देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे पूनम दुबे हर बार की तरफ फिर एक बार अपने फिटनेस को दर्शाती हुई आम्रपाली पूनम दुबे बहुत ही हॉट अंदाज में नज़र आ रही हैं। शॉर्ट पैंट के साथ उन्होंने चेक शर्ट पहन रखा है और ब्लैक कलर का उन्होंने पैंट शूज़ पहन रखा है, बहुत ही हॉट लग रही हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही हैं। पूनम दुबे ने लिखा है, वन स्मॉल पॉजिटिव थाट्स इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर मूड फुल डे। यानी कि उनका मानना है कि वो जितने भी एक बार, अगर जो मॉर्निंग में सुबह एक बार आप अच्छा सोच लेते हैं कुछ करने की, तो पूरा दिन आपका अच्छा ही जाता है। काफ़ी अच्छा थॉट लिखा है पूनम दुबे ने। आपको बता दें, पूनम दुबे के इस हॉट फोटो को अब तक करीबन 2000 लोगों ने लाइक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, गुंजन पंत जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, वो इंटरटेनमेंट की रात में गई थी जहाँ की फ़ोटो उन्होंने पोस्ट की है, स्काई ब्लू कलर की उन्होंने इंडियन ड्रेस पहन रखा है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट सी लग रही है। और लिखा है, इंटरटेनमेंट का मेला बिग गंगा, यानी कि जहाँ पर वो गई थी वहीं का पोस्ट इन्होंने किया है और अभी तक गुंजन के इस पोस्ट को करीबन 1000 लोगों ने लाइक कर दिया है। इसी के साथ यश कुमार मिश्रा की तरफ से निधि झा का पोस्ट आया है, शूटिंग ऑन बा, यानी कि जो निधि झा है उनकी फिल्म की शूटिंग इस समय पर कंटिन्यू चल रही है और आई थिंक वो किसी कॉलेज गर्ल का रोल निभा रही है और इसी वजह से इस समय पर उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसके बारे में यश कुमार मिश्रा ने जानकारी दी है। और लेकिन शूटिंग जो चल रही है वो चल रही है यश कुमार मिश्रा की और करीबन 1000 लोगों ने लाइक किया है इसे। तो वहीं आगे बढ़ते हैं, आगे है अरविंद अकेला उफ कल्लू का, जिन्होंने आज पोस्ट करते हुए बताया है कि उनकी फिल्म आवारा बलमा रिलीज़ होने वाली है और कौन कौन से सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है इसके बारे में भी उन्होंने साफ जानकारी दी है।
जी हाँ, उन्होंने बताया है कि आखिरकार कौन कौन सी जगहों पर उनकी फिल्म रिलीज हुई है, और उन्होंने कैप्शन बॉक्स में भी लिखा है, आज से आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में आवारा बलमा, तो आप सभी ज़रूर देखें और अपना आशीर्वाद ज़रूर दें अपने इस फिल्म को और अपनी राय देखें। आपको बता दें, अरविंद अकेला कल्लू के इस पोस्ट को करीबन 1200 लोगों ने लाइक कर दिया है। तो ये थी दर्शकों आज के पूरे दिन पे सोशल मीडिया मस्ती में, कि आखिरकार कौन से दर्शकों ने मूड मस्ती मौज में ही अपनी चीज़ें पोस्ट की हैं, या फिर कौन से ऐसे स्टार हैं जिन्होंने अपनी फिल्मों के बारे में जानकारी दी है। फिलहाल दोस्तों, आज के खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। कल मैं आपके सामने फिर से लेकर हाजिर होंगी सोशल मीडिया में कुछ नई जानकारी। तब तक के लिए आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।